मिस्टर रिएक्टर जोन ने लिखा कि अरे भाई पंजाब में 4 दिन से इंटरनेट बैन था, ऐसा लग रहा था जैसे जेल में हूँ। ओ तो फिर तो क्विक रिकैप देना पड़ता है क्योंकि काफी कुछ चीज हो गई है चेंज, जैसे कि रोमन रेंस की टाइटल जो है वो रिलिंक्विश हो चुकी है, कोडी रोड्स दोबारा से ऑल एलीट रेसलिंग में चला गया, एंड बाय द वे पेली हैज प्रपोज्ड मी। बहुत यस आई अंडरस्टैंड, बहुत चीजें चेंज हो जाती है अचानक से, एंड दिस वाज वन ऑफ दोस। तो क्या एस जमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी डी एक्स चेतन एंड यार देखो गोल्डबर्ग जो है फ्री एजेंट हो चुके हैं, फ्री एजेंट बोले तो नाउ ही इज नॉट गोइंग टू कम टू WWE एनी मोर। लास्ट मैच कौन सा था, जोन सा भी था वो लास्ट मैच बन के रह जाएगा, हमें पता भी नहीं था कि वो लास्ट मैच होगा, हमें तो लगा था हमारा गोल्डी और आएगा क्योंकि और भी ज़्यादा सऊदी का पैसा बहने वाला है, तो हो सकता है कि उस बहती हुई नदी में गोल्डबर्ग थोड़ा और हाथ धोएंगे, लेकिन शायद से नहीं। अभी अगर वो किसी को धोएंगे तो मे बी जस्ट मे बी WWE के कंपेटिटर ऑल एलीट रेसलिंग को, बिकॉज अपेरेंटली टोनी खान की तरफ से ऑफर जा रहा है गोल्डबर्ग के लिए, एंड आई थिंक एज अ हार्ड कोर ऑल एलीट रेसलिंग हेटर आई वुड वॉन्ट कि गोल्डबर्ग जो है ऑल एलीट रेसलिंग में जाए, उनको भी तो पता चले गोल्डबर्ग किस खेत की मूली है, किस खेत का मूला है बाय द वे। सो ये आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर हमें गोल्डबर्ग ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलते हैं। मैं तो ऑल एलीट रेसलिंग देखना दोबारा से शुरू कर दूंगा अगर गोल्डबर्ग आते हैं तो, एंड व्यूअरशिप भी ऊपर चली जाएगी, तब शायद से इन्हें पता चल जाएगा यार कि सीएम पंक से बढ़िया तो गोल्डबर्ग ही है। उसके अलावा भाई एक जो चीज मेरे को बड़ी पसंद है बहुत ही ज्यादा, एंड दैट इज समर स्लैम का लोगो चेंज्ड, इट इज नाउ शाइनी क्रोमैटिक मेटालिक कार वाली फील दे रहा है क्योंकि डिट्रॉइट में हो रही है। डिट्रॉइट पता है आपको इसी चीज के लिए जानी जाती है, मतलब मेरे को तो एमिनेम के गानों से पता चला था, बट समर स्लैम का लोगो बहुत टाइम के बाद रीब्रांड हुआ है। आई थिंक मेरी याद में तो जब से मैं WWE देख रहा हूँ तब से, आई थिंक 2008 तक तो वो ग्रीन वाला लोगो था, के बाद जितने भी माइन्यूट चेंजेस हुए वो इस येलो और रेड ऑरेंज टाइप वाले लोगों में हुए। मतलब आपको वो फील देता है कि आप छुट्टियों में हो, बीच पे हो, यू नो सन वाला माहौल देता है, बट नाउ कम्प्लीटली चेंज एंड आई लाइक्ड इट कि किस तरीके से जहाँ की सिटी है, जो सिटी जिस चीज़ के लिए फेमस है उस चीज़ पर ही आपने लोगों की रीब्रांडिंग कर दी। तो मेरे को ये चीज़ देख के बड़ा मज़ा आया, एंड काफ़ी टाइम के बाद ऐसा नया लोगो देखने को मिला है, वो भी यू नो मनी इन द बैंक समर ऐसे पेपर व्यूज में, अच्छा लगता है देखकर। मनी इन द बैंक का तो चेंज हो ही नहीं रहा है पता नहीं कब से, बट आई गेस उसमें चलता है, बट समर स्लैम आ हा हा दिल को छू लिया भाई। हो सकता है कि काफी लोग हेट भी कर रहे होंगे इस लोगो को, जो कर रहा है वो कमेंट्स में लिखकर बताना कि वाई, क्या इसीलिए कि आपको वो पुराना वाला देखने को नहीं मिलेगा या कोई और रीजन है कि यार भाई 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 सिल्वर देख के यार अजीब सा लगता है भाई, ये नहीं चाहिए हमको, अगर ऐसा भी है तो वो भी कमेंट्स में लिख के बताना। उसके अलावा एक ओपिनियनेटिव टॉपिक या फिर एक ऐसी चीज जिसके बारे में ऑफकोर्स हर किसी के दिमाग में चल रही होगी, लेट से रोमन रेंस लूजेस, मतलब किसी भी कारणवश कोडी रोड्स अगर रोमन रेंस को हरा देते हैं या फिर लेट से कि कोई भी हराता है आगे चल के, तो क्या ये जो रोमन रेंस की टाइटल है ये एक साथ रहनी चाहिए, क्या ये यूनिफाइड रहनी चाहिए? बिकॉज हम तो यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि रोमन रेंस कभी तो ऐसा होगा कि यूनिवर्सल टाइटल के लिए अलग मैच लड़ेगा और WWE टाइटल के लिए अलग मैच, लेकिन अब तक ऐसा होता दिखाई दिया नहीं है, और उसमें भी ऐसा तो होगा नहीं कि एक मैच हार जाएगा बंदा एक मैच जीत जाएगा। स्टार्टिंग में हमें लग रहा था रंबल के आसपास के टाइम पे कि ऐसा हो सकता है, यू नो एक हार जाएगा एक में रॉक आ जाएगा, एक हार गया तो फिर वो कोडी रोड से लड़ लेगा, ये सब फालतू के सिनेरियो हमारे दिमाग में ही थे। अच्छा है कि हम लोग WWE वाले नहीं थे, वरना ऐसी WWE की रेड मार देते। बट क्या अभी के लिए तो ये कि दोनों टाइटल्स को एक ही कंसीडर किया जा रहा है, अनडिस्प्यूटेड WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। यू नो व्हाट आई वुड वांट, मे बी आप एक ही वर्ल्ड टाइटल रख सकते हो, दैट वुड बी बेस्ट। अभी भी वही है और अच्छा लग रहा है, मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन है अच्छा लग रहा है। ये क्या है, रॉ का एक वर्ल्ड चैंपियन, स्मैकडाउन का एक वर्ल्ड चैंपियन, अरे रॉ का एक इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल होगा, स्मैकडाउन का एक US टाइटल होगा, दोनों का मिला के एक वर्ल्ड चैंपियन होगा, वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से तो। और उसमें आपको 2 टाइटल की जरूरत नहीं, आप यूनिवर्सल टाइटल को लो उठा के फेंक दो, जहाँ से आई थी ना उसको वहीं पे कचरे में फेंक दो, हमें नहीं चाहिए, हमें WWE चैंपियनशिप चाहिए। आप उसकी रीब्रांडिंग कर सकते हो, दैट वुड बी द परफेक्ट चॉइस, एंड द बेस्ट सिनेरियो कुड बी कि रोमन रेंस लेट्स से रिटेन रखते हैं, कोडी रोड्स को हरा देते हैं रेसलमेनिया 39 में, और वो खुद ही डे आफ्टर रेसलमेनिया में न्यू टाइटल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, पोए दैट वुड बी अमेजिंग। और मे बी रेसलमेनिया 39 के दिन ही
आई मीन हॉलीवुड से अच्छा क्या ही ऑप्शन रहेगा रोमन रेंस के पास इन न्यू टाइटल्स को इंट्रोड्यूस करने का. सो ये थे मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस कि यार जो ये दोनों टाइटल्स है ये डिसबैंड होनी चाहिए या नहीं, या इनमें से कोई एक टाइटल रहनी चाहिए या कोई एक वर्ल्ड टाइटल रहनी चाहिए. बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली हमारे दिमाग में होना चाहिए. बिकॉज इफ कोडी रोड्स इज गोइंग टू विन तो बिग चांसेस है कि टाइटल्स में हमें कुछ तो शफल देखने को मिलेगा. अभी एक बार फिर से कमेंट्स पढ़ने का टाइम आ गया है भिड़ू. रसल स्पाय ने लिखा है कि एजे रोमन रेंस, अच्छा आज रोमन रेंस ने AEW को भी मेंशन किया था, भूल गए क्या? उस एक लाइन से तो पूरा वीडियो बना सकता है भाई. भाई ऑफ कोर्स यार, उस जिस तरीके से मेंशन किया था, मेरे को वो तरीका रोमन रेंस का पसंद नहीं आया. बिकॉज मैं चाहता था कि धुलाई हो ऑल एलीट रेसलिंग की. रोमन रेंस ने धुलाई नहीं करी, रोमन रेंस को मार लेनी चाहिए थी ऑल एलीट रेसलिंग की, लेकिन छोड़ दिया. पता नहीं क्यों इतना नरम. भाई ऑल एलीट रेसलिंग वाले कभी WWE पे नरम दिल दिखाते हैं? नहीं ना, वो तो छील लेते हैं जैसे पता नहीं क्या कल का आया होगा, बच्चा होगा है. और हमारा तो हक बनता है कि ऑल एलीट रेसलिंग वालों की छीलनी चाहिए. तो इसीलिए रोमन रेंस ने जितनी अटेंशन दी उतनी ही अटेंशन मैंने देना समझा सही ऑल एलीट रेसलिंग को. इतना ही डिजर्व करते हैं यार. मतलब रोमन रेंस की जूतों पर अगर आके मैं खड़े हूँ तो मेरे को भी लगता है कि यार मैं रोमन रेंस हूँ, मैं ऑल एलीट रेसलिंग से बड़ा हूँ, मैं क्यों अपने छोटे पे ऐसे अत्याचार करूं. तो ऑफ कोर्स मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि रोमन रेंस ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा. मतलब अपने छोटे से थोड़ी ना कोई बेइज्जती करेगा. तो ये उस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बन सकती बिकॉज उतना कुछ हुआ भी नहीं था. उतना जितना रोमन रेंस ने सोचा कि नहीं उनका उतना हक नहीं बनता टीवी टाइम देने का, उतना ही मेरे को भी लगा कि नहीं AEW की उतनी औकात नहीं है कि हम उनको उतना वीडियो टाइम दे, आपका टाइम वेस्ट करें, हमारा टाइम वेस्ट करें. सो आगे बढ़ते हैं सीधा. सतनाम सिंह ने लिखा कि आई डोंट नो व्हाई मैनी पीपल डिडंट फील एक्साइटमेंट फॉर WrestleMania 39 बिकॉज आई एम फीलिंग इट. भाई आई डोंट नो कि आप लोग कैसे फील नहीं कर पा रहे हो या कर पा रहे हो, लेकिन मैंने तो दो वीडियोस में बता दिया. बिकॉज मेरे को लगता है कि ये बार की रोड टू WrestleMania ऐसी रही है कि रोलर कोस्टर जू. अरे हाइप है हाइप है, स्मैकडाउन अरे हाइप कहाँ गई, अरे रोमन रेंस आ गया हाइप है हाइप है हाइप है, अरे रोमन रेंस गया अरे हाइप कहाँ चली गई. तो ये मेरे लिए इस बार का रोड टू WrestleMania रहा है. अल्टीमेटली दी गोल इज गोइंग टू बी यार कि जैसी भी WrestleMania 39 जाती है वही मानी जाएगी, क्योंकि अगर ब्लॉक बस्टर दे दी तो शायद से हम ये बिल्ड भी भूल जाएंगे. अगर हक दिया तो ये बिल्ड बहुत अच्छे से याद रहने वाला है कि किस तरीके से इन्होंने बिल्ड में हगा था. इस चीज़ पर तो मैं भी अग्री करना चाहूँगा कि जो लोग एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे होंगे, और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे होंगे. आई थिंक मेजरली बिकॉज ऑफ रोमन रेंस, जॉन सीना एंड ऑल, बट आई गेस हर बार WrestleMania का यही होता है. एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि यार एक बार अगर आपको फील नहीं हो रही है एक्साइटमेंट तो एक बार आप जाके पुराने कार्ड्स देखो. पुराने कार्ड्स में तो सिर्फ एक दो मैचेस होते थे वर्दी, बाकी फिलर मैचेस लगते थे. तो अभी तो आज के ज़माने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. आई गेस हम लोग इम्प्रूवमेंट को कभी भी ऐसे क्रेडिट नहीं दे सकते. पता नहीं क्यों हम इंसानियत के अंदर यही है, लेकिन अगर आप पुराना जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये WrestleMania लेजेंड WrestleMania है. बट वही है अल्टीमेटली, तो जब होगी तभी हम कुछ कह सकते हैं. बट हाँ, बिल्ड के लिए जो एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे उसके लिए तो मेरे पास एक ही वर्ड है कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो बस. क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम हो रहे होंगे तभी आप एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहे हो, अदरवाइज तो सब ठीक है. आई एम वाइपर 777 ने लिखा कि आई वॉन्ट मोर ऑल एलीट रेसलिंग रेफरेंसेज. यार एज आई सेड, आई डोंट थिंक सो कि ऑल एलीट रेसलिंग का उतना टीवी टाइम बनता है, वो भी WWE के टेलीविजन. वो WWE है भाई. मैं तो अपना सोचता हूँ कि मेरे में ऑल एलीट रेसलिंग का इतना टीवी टाइम बनता नहीं है, तो फिर WWE वालों का तो और भी ज़्यादा बड़ा पैमाना है, वो तो क्यों सोचेंगे. तो नहीं यार, ऑल एलीट रेसलिंग की अगर छीलनी होगी तो ज़रूर रेफरेंसेस से कोई बात बनने वाली है नहीं. रेफरेंसेस क्या भाई, ये ऑल एलीट रेसलिंग वाले गेम हम कब से खेलने लग गए. ओ माय गॉड, वो देखा था CM Punk के जूतों पे क्या DT लिखा था. DT का मतलब पता है? हाँ, 2005 में वो जब पैदा हुआ था तब वो DT में पैदा हुआ था. लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, ये सब हमें करके क्या मिलेगा, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं. एंड किशोर आयर ने लिखा है कि आई वॉन्ट सरप्राइज इफ KO वंस अगेन बिट्रेज सैमी. एंड हिस्ट्री रही है यार केविन ओवेंस सैमी ज़ेन के बीच में, दैट केविन ओवेंस मोस्ट ऑफ द टाइम बिट्रेज. और इस बार अगर बिट्रे करता है तो केविन ओवेंस मेरे हिट लिस्ट में नंबर बना जाएगा. बिकॉज दिस इज बैड, बिकॉज दिस इज एक्चुअली बैड. क्योंकि अब आप सिर्फ इतना सा दूर हो अपनी फ्रेंडशिप को एक ऐसी चीज में कन्वर्ट करने में जो कि सालों साल तक याद रहेगी. केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन एज टैग टीम चैंपियंस, इमेजिन 20 साल पहले इन्होंने साथ में शुरुआत करी एंड नाउ दे आर हियर, इट इज ह्यूज. तो यहां पर बिट्रे करना मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा भाई. हार्ट का मरीज
नहीं हूँ, लेकिन शायद उस दिन बन जाऊँ अगर ऐसा होता है तो। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने ओपिनियंस रिगार्डिंग एनी ऑफ द स्टफ, और ऑल एलीट रेसलिंग को इतनी इज्जत मत देना, बिकॉज मेरे को लगता है कि वीडियो टाइम तो छोड़ो, वो कमेंट टाइम में भी इतना अब अटेंशन डिजर्व नहीं करते जिस तरीके से वो चल रही है। मेरे को कैसे पता कैसी चल रही है, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है ना। पहले तो कम से कम ये तो था कि चलो हाँ गंदी हो रही है, देखो ऐसी हो रही है, तो दिखता था कि अच्छा इसीलिए गंदी हो रही है। अब तो डड, मतलब ऐसा लग रहा है उससे अच्छा तो मैं यहाँ पे खाली ड्राम को निहारता रहूँ कि अरे इसमें पानी नहीं है। बट इट इज स्टिल एंटरटेनिंग देन ऑल एलीट रेसलिंग, वो ज़्यादा बेटर है, तो दैट्स माय ओपिनियन। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।